और दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आप सभी को पता है कि टिकटॉक जो है, जिसके ऊपर काफ़ी सारा न्यूज अभी आ रहा है कि टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक प्ले स्टोर से हट गया, टिकटॉक क्या है, कैसे है, क्या होगा, अब टिकटॉक के जो क्रिएटर्स हैं उनका क्या होगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यदि आपने टिकटॉक अभी तक डाउनलोड नहीं किया और टिकटॉक डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू डाउनलोड टिकटॉक। उसके बारे में मैंने 5 लिंक भी दिए हुए हैं, तो उनके ऊपर आप क्लिक करके आसानी से टिकटॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भैया, टिकटॉक के बारे में कहना यह था कि इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो पाए गए हैं, जिसके चलते मद्रास हाईकोर्ट ने इसे बैन कर रखा था। तो एक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो ये था कि 24 अप्रैल यानी आज को टिकटॉक को या तो अनबैन करना होगा या इसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन सुनाना होगा। तो अभी तक कुछ भी ऐसा अपडेट हमारे सामने नहीं आया है कि क्या रहा है क्या नहीं रहा है, जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। तो भैया, मेरा विचार ये है टिकटॉक के बारे में कि टिकटॉक को बैन करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये है कि आप इसके अंदर जो है एज लिमिट रख सकते हैं कंटेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि यूट्यूब ने किया हुआ है। वैसे यूट्यूब पे कोई आपत्तिजनक कंटेंट मिल नहीं पाता है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिल पाता है। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। यदि ऐसा कुछ एज लिमिट का, मेरे हिसाब से ये है कि ये एज लिमिट का कुछ लेके आएंगे। 13 साल की एज का रखा था टिकटॉक ने पहले, लेकिन 13 ईयर एज जो है वो सफिशेंट नहीं है। 18 साल की जो है इसकी मिनिमम एज रखते हैं, तो मेरे ख्याल से टिकटॉक जो है वो फिर से हमें देखने को मिल पाएगा मार्केट के अंदर, सॉरी गूगल प्ले स्टोर पर। आपका क्या विचार है टिकटॉक के बारे में? यदि आप एक टिकटॉक क्रिएटर हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट आप हो गए होंगे, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या विचार है आपका टिकटॉक के बारे में। क्या आप इसके बैन होने के संबंध सॉरी बैन होने का आप समर्थन करते हैं, या फिर आप बैन के खिलाफ हैं, या फिर जो मैंने बताया कि 18 साल से ऊपर की एज के लिए ये अलाउ कर दिया जाए, या फिर इसके अंदर ही 2 तरीके की डिवाइडेशन कर दिए जाए, जो कि कंटेंट है उसको फिल्टर किया जाए इस तरीके से कि जो आपत्तिजनक कंटेंट है वो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो यूज़र हैं वो देख पाएँ और 18 साल से कम के यूज़र के नहीं देख पाएँ। इनमें से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है, कौन सा इसका जो है सॉल्यूशन आपको सबसे अच्छा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो नीचे रेड बटन है उसे प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, और जो पास में बेल आइकन है उसे दबाने से आपको हमारे वीडियो के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और हमें मिल पाएगी नई वीडियो बनाने की हिम्मत। वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।